हेलो फ्रेंड्स, घरेलू टिप्स विप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हैंडबैग पर्सेस हम सबकी जान होती है, तो आज मेरे कुछ टिप्स इसी के ऊपर हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इस हैंड पर्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करें कि हमारा पर्स भी खराब ना हो और हमें सामान ढूंढने में कोई दिक्कत भी ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें पॉकेट्स तो कई सारी होती हैं, लेकिन जब हम कुछ सामान ढूंढने जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम पैनिक हो जाते हैं, इधर से उधर हाथ डालते रहते हैं, लेकिन हाथ कुछ भी आता नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट टिप है फ्रेंड्स मेरी आपके लिए कि हमेशा अपने पर्स में रुपए रखने के लिए या तो जेंट्स पर्स का इस्तेमाल करें, जिसमें पहले बड़े रुपए फिर छोटे रुपए अकॉर्डिंगली लगा लें, या जेंट्स पर्स नहीं है तो क्लचर्स हमारे पास बहुत सारे पड़े होंगे और आजकल हमारे फोन भी इतने बड़े होते हैं कि ये क्लचर्स हमारे पास जारी रहते हैं, अलमारी में अंदर पड़े होते हैं, उनका यूज करिए। इसमें आप नोट लगाएंगी तो बहुत इजीली नोट आपके मैनेज हो जाएंगे, आपको किसी को भी देने के लिए कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्स निकालिए और दे दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमें कुछ दवाइयां भी रखनी होती है जो हमें डेली खानी होती है, तो दवाइयां ऐसे ही मत डाल दीजिए इसके अंदर कि आपने कोई भी गोली ली ऐसे डाली फिर ढूंढते रह गए कि हाँ यहाँ डाली थी, इस पॉकेट में डाली थी, कि इसमें कई कई पर्स में तो 5-6-7 से ज्यादा पॉकेट्स होती हैं, तो हमेशा हम ढूंढते रह जाते हैं कि किसमें हमने क्या डाला था। इस टाइप की किट लीजिए, घर में पड़ी होती है, पुरानी किट भी हो जाएगी तब भी चलेगी, दवाइयां सारी उसमें रखिए, आप किट निकालेंगे इजीली दवाई आप अपनी ढूंढ पाएंगे और खा पाएंगे। हैंड सैनिटाइजर जो बहुत जरूरी है आजकल के लिए, उसे हमेशा बाहर की पॉकेट में रखें। जो हमारी फ्रेंड्स जनरली हर पर्स में बाहर की पॉकेट होती है, जिससे आप इजीली एकदम हाथ डाल के निकाल लेंगी, आपको अंदर पर्स खोलने की और निकालने की रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में निकालिए, इसी में रख दीजिए। हम कुछ सोफ इलायची अपने पर्स में जरूर रखते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए खाली पाउच ना लेके सीधे के सीधे इस टाइप की डिब्बी में रखिए, तो आपको बहुत इजीली मिल भी जाएगी और अगर आपको थोड़ा सा पाउच रह भी गया है तो इसी में रख दीजिए, जिससे वो सोफ इसमें गिरती ना रहे। फ्रेंड्स ये हमारा पर्सेस ऐसे होते हैं जो हम होम वॉशेबल नहीं होते कि हम मशीन में धो लें, हाथ से धो लें, अंदर से गंदे होते रहते हैं, तो इसलिए सब चीजों को आप इसमें भरने की बजाय डायरेक्टली कुछ पर्सेस कुछ किट्स इस तरह करके रखिए। मेकअप का सामान आपको रखना है तो कोई भी किट ले लीजिए जो घर में पहले की पड़ी हुई हो, जिसे हम बाहर शो भी नहीं करना चाहते हैं, नई नई किट्स और ले आते हैं वो पड़ी रहती हैं, तो लिपस्टिक्स हमारा कुछ भी मेकअप का सामान जो हमें जरूरी है जो हम यूज करते हैं वो सब आप इस टाइप के किट में रखिए और इसकी पॉकेट में डाल दीजिए। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरी लिपस्टिक कहाँ गई, और सेफ्टी पिंस और छोटी जो पिंस होती है टिक टैक पिंस, ये तो बहुत जरूरी है, क्लचर्स हैं, ये सब आप इसमें किट में करके रखिए। कुछ क्वाइंस हमें रखने पड़ते हैं अपने पास, वो जरूर रखिए, वो भी एक किट में छोटे पाउचेस में करके रखिए, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो बिल्कुल। एक छोटी वाटर बॉटल जरूर रखिए अपने पर्स के साइज के अकॉर्डिंग, छोटी से छोटी जो भी आप रखें लेकिन रखें जरूर। इस टाइप से फ्रेंड्स अगर आप अपने पर्स को अरेंज करेंगी तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे सफर में हो, घर से बाहर निकलें या कुछ भी करें। नंबर एक बात का फ्रेंड्स आपको और ध्यान रखना है कि इन पर्सेस को, चाहे हैंडबैग हो चाहे छोटे पर्स, जो लेदर टाइप के पर्स होते हैं, उन्हें आपको खुली हवा में रखना है, अलमारी में बंद करके मत रखिए, जहां की अलमारी कम खुलती है, जहां हवा जाती नहीं है, कहीं ऐसी जगह रखें जो खुली रहे, नहीं तो कई पर्सेस में आपके होता है लाने के थोड़े दिनों बाद ही साइड से कटने लग जाते हैं। हम सब ने ये बात नोटिस करी हुई है और हमारे सबका एक्सपीरियंस है इस बात से, हैंडल कट जाते हैं, ये ऊपर की चेन का जहां मुंह खुलता है वो कटने लग जाता है। नए नए तो अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये सब बेकार होने लगते हैं, जो हम बिल्कुल भी बाहर ले आना नहीं चाहते हैं। तो इससे बचने के लिए इन पर्सेस को जो ज्यादा टाइप के होते हैं हमेशा खुली हवा की तरफ को रखें, जहां थोड़ी बहुत हवा जाती हो। और फ्रेंड्स एक बात और, आप इन पर्सेस को जो हमारी खूंटियां लगी होती हैं अलमारी के अंदर या कमरे के अंदर, उन पे कभी ना टांगें, हैंग ना करें उन पे। जहां आप टांगेंगे, जब एक एक महीना पर्स हमारा काम में नहीं आता है तो वहीं से वो कटना शुरू हो जाते हैं। इन लेदर के हैंडल्स को बचाने के लिए आप इन्हें अलमीरा के स्लैब पे इस टाइप से रखें, इन्हें ऐसे करके हैंग ना करें बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ जो टिप्स थे जो मैंने हैंड पर्सेस से रिलेटेड आपको बताए हैं। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे वो भी इन यूजफुल टिप्स को देख करके अपनी पर्सेस का और केयर कर पाए। और मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करा होगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो जो मेरी यूजफुल टिप्स का ये वीडियो है, जिसमें मैं कुछ ना कुछ आपके लिए यूजफुल लाती रही हूँ और लाती रहूंगी, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नया वीडियो। अगर आपको टिप्स यूजफुल लगी हो तो कमेंट